वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में जो है आपका सरकमफ्रेंस है, एरिया है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, जिसमें आपको सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है। अब बात आती है सर्किल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। सर्किल की जो बाउंड्री होती है वही सरकमफ्रेंस कहलाता है। ये जो नीला वाला हिस्सा जो होता है वो सर्किल का क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस बीच वाला जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर हो गया। यहाँ सर्किल से एक ऐसी लाइन जो सेंटर से होते हुए जाएगी वो कहलाता है डायामीटर। सर्किल का डायामीटर होता है। और सेंटर से लेकर सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाता है रेडियस। बस आपको इसमें ये चीज जानना है कि पूरी जो बाउंड्री है, सर्किल की जो बाउंड्री होती है वो कहलाता है सरकमफ्रेंस, और जो लाइन सर्किल के सेंटर पॉइंट से होते हुए जाएगा वो पूरी लाइन डायामीटर कहलाएगी, और डायामीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस कहला दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है, और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है और डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। सर्किल के सरकमफ्रेंस का बाउंड्री होती है 2πr। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पाई की वैल्यू आपको अक्सर 22/7 ही लेनी होती है। ज़रूरत के हिसाब से आपको पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, या कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं। ये तो क्वेश्चन के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में नंबर्स अगर 7 के टेबल से कट रहा होगा तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। अब क्वेश्चन में अगर पाई की अगर कोई नंबर 7 के टेबल से नहीं कट रहा है तो उस वक्त आप पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, क्योंकि 22/7 को डिवाइड करने के बाद 3.14 ही आएगा। तो 22/7 की जो वैल्यू आएगी वो 3.14 आएगा। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। बस आपको ये याद रखना है। तो सर्किल में ये इतने पोर्शन आपको दिमाग में रखने हैं, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सर्किल का सरकमफ्रेंस, जिसमें सर्किल के जो रेडियस जो दिया है आर, आर की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, जिसमें सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल की बाउंड्री, सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसी को निकालना है। सर्किल की बाउंड्री का फॉर्मूला होता है 2πr, ये याद रखना है 2πr। पाई आर की वैल्यू है 14। अब देखिए ये वैल्यू जो है 7 के टेबल्स कटेगा, इसलिए पाई की वैल्यू हमें 22/7 ही लेनी होगी। और ऑलरेडी क्वेश्चन में जब दिया हुआ है 22/7, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखनी ही रखनी है। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 है तो 3.14 रखना है। ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि अगर पाई की वैल्यू किस समय पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, किस जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये नंबर जो है 14 आपका आसानी से कट जा रहा है, 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4 22, इसका 4 गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में बी वाला ऑप्शन है, 28 सेंटीमीटर दिया है, 28 मिलीमीटर है, बी में 28 मिलीमीटर है।
हमें सिर्फ सर्किल का सरकमफेरेंस निकालना है, फॉर्मूला वही लगाना है, सी बराबर होता है 2πr, 2π 22/7, आर की वैल्यू होती है 28, काट दीजिए 7 4 28, 4 2 8 और 22, 8 2 16, 8 2 16 और 117, तो ये क्या होगा, मिलीमीटर हो गया, 176 मिलीमीटर आएगा सर्किल का सरकमफेरेंस। अब सी वाला देख लेते हैं, सी वाला पॉइंट, सर्किल का जो रेडियस जो दिया 21 सेंटीमीटर है, सर्किल का सरकमफेरेंस निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्किल का सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, फार्मूला वही लगेगा, सी बराबर 2πr, पाई की वैल्यू 20 22/7, आर की वैल्यू हो गई 21, देखिए 7 1 7, 7 3 21, तो 3 2 6, 132, 6 2 12, 6 2 12, 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये है इस तरह से क्वेश्चन, किसी भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, बस शर्तें क्या है, उस सर्किल का रेडियस पता हो, रेडियस पता हो या डायमीटर पता हो, तो आसानी से सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाला जा सकता है। सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सर्किल की बाउंड्री कहलाती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, तो क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ 44 मिलीमीटर सेकंड का, ए रेडियस जो दिया है 14 मिलीमीटर दिया है, जिसमें आपको सर्किल का एरिया निकालना है। पाई की वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो भी आपको 22/7 लेना है, नहीं भी दिया है तब भी आपको 22/7 ही लेना है, ये ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू अगर नहीं दिया है तब भी आपको 22/7 ही रखना है। अब यहाँ पे सर्किल का एरिया निकालना है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। अब सर्किल का एरिया होता क्या है, सर्किल का एरिया सर्किल के अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं, ये वाला एरिया, सर्किल का जो अंदर वाला जो भाग होता है, इंटीरियर पार्ट जो होता है वो सर्किल का एरिया होता है, और सर्किल का जो बाउंड्री वाला जो पार्ट होता है वो सर्किल का सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो यहां में सिर्फ सर्किल के अंदर वाले भाग का एरिया चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, यहां पे आर की वैल्यू कितनी है, 14 है, और जबकि पावर 2 दिया हुआ है, तो यहां पे हम 14 को दो बार लिखते हैं, क्योंकि यहां पे पावर 2 है इसलिए हमने 14 को दो बार लिखा है, 7 2 14, दो बार आया, और 14 22 का डबल करते हैं, ये 14 का 14 2 हो गया 28, अब ये 22 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 56, और ये 56 6 11, और ये 6 ऐड करने पे 6 5 और 6 11, और 5 में 1 जो 6, तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 61 रेडियस मिलीमीटर में है, इसलिए इसका इसका जो यूनिट होगा मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी फिगर का अगर एरिया निकलता है तो उसका उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और किसी भी फिगर के अगर हमें बाउंड्री निकालना होता है तो उसका भी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या किलोमीटर में या मीटर में होता है, लेकिन एरिया आपका डायमेंशन 2D में होता है, एरिया हमेशा 2D डायमेंशनल में होता है, और डिस्टेंस हमेशा सिर्फ सिंगल डायमेंशन में होता है, इसलिए आपको हमेशा यूनिट एरिया स्क्वायर के फॉर्म में लेना है, और डिस्टेंस हमेशा केवल सिंगल डायमेंशन में लेना है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां पे बी वाला है, सेकंड का बी, सर्किल का डायामीटर दिया है, सर्किल का जो डायामीटर दिया है वो 49 है, सर्किल का जो डायामीटर है वो 49 है, एरिया निकालना है, फार्मूला वही रखना है, 22/7, 49 इंटू 49, 49 को डबल क्यों लिख रहे हैं,
यहाँ पे पावर टू है इसलिए 49 को डबल टू लिख रहे हैं। 7 7 जा 49, अब 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 49। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइन फोर जा 36, कैरी हुआ 3, 9 5 जा 45, 45 में 3 जोड़ा 48, कैरी हुआ 4, 9 1 जा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 9 1 जा 9, 9 में 4 जोड़ा 13 हो गया। 4 4 जा 16, कैरी हुआ 1, 4 5 जा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, कैरी हुआ 0 0, कैरी हुआ 2, 4 1 जा 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी हुआ 1, 4 5 जा 20, 20 में, मल्टीप्लाई गलत हो रहा है, इसको फिर से करते हैं, 154 का मल्टीप्लाई 49 में करते हैं, तो 9 4 जा हो गया 36, 36 का 6 हुआ, कैरी हुआ 3, तो 9 5 जा 45, 45 में 3 जोड़ा तो 48, कैरी हुआ 4, 9 1 जा 9, 9 में 4 जोड़ा 13 आ गया, 4 4 जा 16, 16 का 6, कैरी हुआ 1, 4 5 जा 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21 आया, कैरी हुआ 2, कैरी हुआ 2, 4 1 जा 4, 4 में कैरी 2 जोड़ा, 4 में कैरी जोड़ा 6 आया, ऐड कर देते हैं, 6 8 और 6 14, और 3 और 1 4, 4 में 1 जोड़ा 15, 15 हुआ, और 6 1 7, 7 1 8, नहीं 6 में 1 7 आएगा, 6 आया, 6 और 14, 14 और 3 1 4, 4 में 1 जोड़ा 5, और 6 1 7, बस आपका ये आंसर आएगा 7546 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया आएगा। इसी तरीके से सेकेंड का सी वाला क्वेश्चन, जिसमें रेडियस जो है 5 है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर रख दिया, 5 5 जै 25, और ये 25 पाई। इसको कभी कभी क्या होता है, पाई की वैल्यू आप रखिए या ना रखिए, आपको इसका आंसर आपका 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या कभी कभी 25 × पाई वैल्यू 3.14 कैलकुलेशन करने पे भी आ सकता है। तो कर देते मल्टीप्लाई, 25 का डबल किया, 25 का 4 गुना किया तो कितना हो गया 100, 25 1 जा 25, 25 में 10 जोड़ा कितना हुआ 35, 25 में 10 जोड़ा तो 35, कैरी हुआ 3, 25 3 जा कितना होता है 75, 75 में 3 जोड़ा कितना हुआ 78, डेसिमल 2 अंक के पहले लगा देंगे तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यदि इच्छा हो तो आप इसका पाई की वैल्यू 3.14 रख के मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और यदि इच्छा नहीं है तो आप यहीं तक आप आंसर निकाल दीजिए, तो भी आपका आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल करने की बात है। अगर ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो डेसिमल में आपका शो कर रहा है तो डेसिमल तक निकालेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका पाई के फॉर्म में दिया है तो पाई के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ तक कैलकुलेशन करने की इच्छा हो करिए, नहीं इच्छा है तो आप सीधे यहीं तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर यहाँ तक भी माना जाता है। तो ये हो गया सर्किल का एरिया। अब इसी तरीके से इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर सीट, मान लीजिए सर्किल का सर्कुलर सीट दिया हुआ है,
सर्किल के सर्कुलर सीट का सर्कमफ्रेंस दिया है। थर्ड क्वेश्चन है ये वाला है, सर्किल का सर्कुलर सीट का जो सर्कमफ्रेंस है 154 मीटर है। हमें सिर्फ क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो इसका क्या निकालना है, हमें सिर्फ क्या निकालना, पहले रेडियस निकालना, सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकालना है, फाइंड इट्स एरिया, और फिर उसके बाद सर्कुलर सीट का फाइंड इट्स रेडियस और इसका फिर एरिया भी निकालना है। तो ये पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में रेडियस निकालना और एरिया निकालना, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग 2πr, पहले तो रेडियस निकालते हैं, 154, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है। देखिए सिंपल सा है, काटना बहुत आसान है, इधर की वैल्यू को काटा जा सकता है। कैसे काटा जा सकता है, ऐसे 11 के टेबल में दो बार में कट गया, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44 हो गया। अब इधर से ये दो बार में कट गया, 7 आ जाएगा, 2 7 14 कट गया। अब ये ऊपर जाएगा, नीचे डिवाइड की वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, मल्टीप्लाई बदल जाएगी, 49 हो जाएगा, 7 7 49, और ये मल्टीप्लाई की वैल्यू ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगी, 49/2, रेडियस आपका हो गया 49/2 आ जाएगा। इस तरीके से 49/2 रेडियस निकल गया। डेसिमल में अगर आंसर निकालना हो तो निकाल सकते 2 3 4 2 6 8 और 2 5 10, तो रेडियस कितना आया, 24.5 मीटर रेडियस ही आया। मान लीजिए अगर एरिया निकालना है, यदि हमें एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, अब रेडियस दिया हुआ है 49/2, तो कहने का मतलब क्या है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर जिसको कैलकुलेशन करना आता होगा वो आसानी से कर सकता है। आर की वैल्यू को हम 49/2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 7 7 49 लिख सकते हैं, 2 से ये कैंसिल होकर 11 आएगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू को काट सकता है, और नीचे वाला ऊपर वाले काट सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को काट सकता है आसानी से। अब यहाँ पे क्या हुआ, 11 7 77, अब 49/2 ये आया। अब ये इसका जो कैलकुलेशन है करने पे जो भी आएगा, इसमें 49/2 की वैल्यू 24.5 है और 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आपने निकाला ही है, 77 × 24.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 = 35 और 7 4 = 28, 28 में 3 जोड़ा तो 31, कैरी हुआ थ्री, 7 4 = 28, 28 में 3 जोड़ा 31, तो 31 का 1 लिखा, कैरी हुआ 3, 7 2 = 14, 14 में 3 जोड़ा 17 आ गया। अब ये 5 उतारा, 1 उतारा, 7 उतारा, फिर 1 उतारा, 5 6 8 8 1, डेसिमल कितने अंक के पहले, 1 अंक के पहले। तो इसका जो एरिया निकला वो 1886.5 इसमें है मीटर स्क्वायर में। तो कहने का मतलब सर्कुलर सीट का जो एरिया हुआ इस ये इतना आएगा। अब आ जाओ यहां पे, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। फिगर दिया हुआ है, दिए गए फिगर का हमें पैरीमीटर निकालना है, जबकि दिया गया फिगर जो है सेमी सर्किल के फॉर्म में है, जबकि इसमें डायामीटर भी है, डायामीटर के फॉर्म में है। अब ये ध्यान रखना है, सर्किल, पूरी सर्किल की जो बाउंड्री होती है वो सी बराबर होता है 2πr, लेकिन बात कर रहा है सेमी सर्किल की। अगर इस सर्किल का हाफ कर दें, सर्किल का हाफ करने का मतलब क्या, इतना ये, तो सर्किल का हाफ कर दिया, हाफ मतलब हो गया सेमी सर्किल का अगर बाउंड्री निकालना है तो क्या मतलब हुआ, पाई आर, तो यानी कि उसका आधा करना पड़ेगा,
पूरी सर्किल की बाउंड्री का हमें हाफ करना पड़ेगा। अगर पूरी सर्किल की बाउंड्री है 2πr और अगर सेमी सर्किल की बाउंड्री अगर निकालना है तो ये s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं cs, तो सेमी सर्किल की बाउंड्री हो गई πr और साथ में डायामीटर भी इंक्लूड करना है तो ये डायामीटर हो गया d, तो डायामीटर भी जोड़ना है तो ये d हो जाएगा। अब पाई आर की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे सीधे सीधे 10 का आधा करना पड़ेगा क्योंकि ये डायामीटर है, डायामीटर 10 सेंटीमीटर है इसलिए 10 का आधा कर दिया और यहाँ पे प्लस 10 कर दिया, यहाँ पे 5 करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 × 4 = 20 × 2 × 5 = 5 × 2 = 7 × 5 = 15 प्लस 10 आंसर क्या आया 25.70 दिया आया। तो कुल मिला के इसका जो सेमी सर्किल की जो सेमी सर्किल का जो पैरीमीटर होगा वो 25.70 आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। यदि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो बड़ी आसानी से इन सारे क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि एरिया किधर होना चाहिए, सर्किल का जो एरिया होता है वो सर्किल के अंदर वाले हिस्से को कहते हैं, सर्किल की जो बाउंड्री होती है वो आउटलाइन उसे कहते हैं, आउट सर्किल की जो ये सर्किल का जो ये वाला जो पोर्शन होता है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है, अंदर वाले हिस्से को कहते हैं एरिया, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।